अगली बड़ी खबर दमोह से, जहां पर गेहूं की फसल में आग लगी, लाखों की फसल इसमें जलकर राख हो गई। दमकल दस्ते ने आग पर काबू पाया। तेंदुखेड़ा थाना के सरस्वती स्कूल के पास की ये घटना है। तो दमोह से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर गेहूं की फसल में आग लग गई, जिससे लाखों की फसल जलकर राख हो गई। वहीं दमकल दस्ते ने आग पर काबू पाया। तेंदुखेड़ा थाना के सरस्वती स्कूल के पास की ये घटना है। दमोह से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर गेहूं की फसल में आग लग गई, लाखों की फसल इस घटना में जलकर राख हो गई। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता संजय सरवरिया फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। जी संजय, गेहूं की फसल में आग लगने का मामला सामने आया है, क्या कुछ वजह बताई जा रही है आग लगने की? जी मैं आपको बता दूं कि तेंदुखेड़ा थाना अंतर्गत पूरा मामला सामने आया, जहां पर पैसिंग चल रही थी और इसी बीच एक मशीन से भूसा भी निकाला जा रहा था। भूसा निकालने वाली मशीन से अचानक चिंगारी निकली, जिसने विकराल रूप ले लिया, जिसके चलते फसल जल गई। ट्रैक्टर ट्रॉली जल गई, भूसा निकालने वाली एक जो मशीन थी वो भी जल गई और काफी तादाद में फसल का नुकसान हुआ। काफी दूर तक ये आग बढ़ती चली गई। फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची, स्थानीय लोगों की मदद से लगभग एक घंटे के बाद इस पर काबू पाया गया है। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन लाखों का नुकसान हो गया है।